देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज की क्लास में जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको जरूर दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली बेसिस पे आपको पैसा चाहिए उस पैसे को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, फंड्स रिक्वायर्ड डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ जी, बिजनेस को चलाने के लिए डेली बेसिस पे जो पैसा आपको चाहिए उस पैसे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। पहला पॉइंट है ये पैसा है किसका जो बिजनेस में आपको लगाना है। तो जो पैसा बिजनेस में आपको लगाना है वो पैसा है किसका, पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा। दो मिनट के बाद लिखना। तो बैलेंस शीट में हम सब लोग जानते हैं कि हमारी टोटल लायबिलिटी बराबर है किसके, टोटल एसेट्स के। अब टोटल लायबिलिटी में सबसे पहले पैसा हमारे पास किसका आता है, शेयरहोल्डर का। तो शेयरहोल्डर फंड में दो चीजें आ जाएगी आपके पास में, शेयर कैपिटल और दूसरा आपके पास आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपके पास में आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर और लोन। और तीसरा आपके पास क्या, करंट लायबिलिटी। अच्छा, यदि इन दोनों अमाउंट को हम प्लस कर देते हैं तो आप इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। शोल्डर और लॉन्ग टर्म बोरिंग, इन दोनों के टोटल को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। प्लस करंट लायबिलिटी, तो आपके पास आ जाएगा टोटल लायबिलिटी। इसी तरीके से यदि टोटल एसेट की बात की जाए तो आपकी पहली एसेट कौन सी है, फिक्स्ड एसेट होगी, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्स्चर एक्सेट्रा जो भी है। दूसरा आपके पास है करंट एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक एक्सेट्रा। तो जो बैलेंस शीट आपके सामने मैंने बनाई है उस बैलेंस शीट में मुझे दो चीजें दिखाई दे रही है कि मेरी टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होगी, टोटल एसेट के। और टोटल लायबिलिटी में मैंने लिखा शेयर होल्डर फंड और दूसरा लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इन दोनों का जो टोटल है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, और लॉन्ग टर्म फंड का दूसरा नाम आप लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यदि मुझे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, यदि क्वेश्चन में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला तरीका, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। और दूसरा तरीका, ये टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर दो, माइनस। तो यदि मुझे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म फंड्स निकालने हैं जिसको हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेथड वन जिसमें आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग। और दूसरा तरीका, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
जिसको आप क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड, वो बराबर है किसके, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी जो फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है या जो वर्किंग कैपिटल के नाम से पैसा बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो दोनों पैसा किसका है, वो दोनों के दोनों अमाउंट किसके हैं, लॉन्ग टर्म फंड के। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए डेली बेसिस पे चाहिए, किससे, लॉन्ग टर्म फंड से। तो जो पैसा है लॉन्ग टर्म फंड का डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस में यूज किया जाता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो पहला पॉइंट है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो पैसा बिजनेस को रन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे चाहिए उस पैसे को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और वो पैसा फाइनेंस कहां से होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या लॉन्ग टर्म फंड कह सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म फंड के साथ एक दिक्कत आती है कि शेयर होल्डर में हमारे पास में शेयर कैपिटल या तो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से होगी या फिर प्रेफरेंस शेयर, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो पैसा आपके पास आ रहा है या तो वो डिबेंचर से आएगा या फिर किससे आएगा, लोन से। डिबेंचर और लोन दोनों पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों पे क्या देना पड़ता है, इसका मतलब है कि कंपनी जो लॉन्ग टर्म फंड लेके आती है चाहे शेयर होल्डर से चाहे बाहर वालों से, बदले में या तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा या बदले में आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो आपका दो खर्चा होगा, लॉन्ग टर्म फंड का जो पैसा आपने शेयर होल्डर से लिया बदले में क्या दोगे, डिविडेंड, या लॉन्ग टर्म बोरिंग से जो पैसा लिया बदले में क्या दोगे, इंटरेस्ट। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और शॉर्ट में हम इसको कहते हैं सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट में हम कहते हैं सीओसी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब यह होगा कि जो पैसा लॉन्ग टर्म फंड से आप लेके आ रहे हैं चाहे शेयर होल्डर से चाहे बाहर वालों से, आपको बदले में या तो हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देना होगा या हर साल आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो आपको जो भी खर्चा करना पड़ेगा उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलनी चाहिए। तो पैसा लाने की कुछ ना कुछ कॉस्ट है, मान लीजिए डिविडेंड और इंटरेस्ट। सपोज करते हैं लॉन्ग टर्म फंड आपके 10 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म फंड कितने, 10 लाख, और इस 10 लाख पे डिविडेंड इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो सपोज करते हैं 1 लाख रुपए। तो कंपनी को पता लग गया कि 10 लाख रुपए लाने की कॉस्ट कितनी है एक साल की, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा डिविडेंड इंटरेस्ट के नाम से, यदि आप लॉन्ग टर्म फंड का कितना पैसा यूज करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का खर्चा 10 लाख पे कितने परसेंट हुआ, कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि परसेंटेज फॉर्म में चाहते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 10%। 10% कैसे निकाला, 1 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, 10%। अच्छा, जब ये पैसा बिजनेस में लेके आयो तो आपकी कॉस्ट तो पता लग गई 10% है, बट आप इस पैसे को जब यूज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए होगी, रिटर्न भी चाहिए होगी। अब वो रिटर्न कहां पे मिलेगी आपको, जहां पे पैसा यूज होगा। तो लॉन्ग टर्म फंड का जो पैसा आपने 10% रेट पे लिया है वो पैसा या तो फिक्स्ड एसेट में यूज करोगे या वो पैसा कहां पे यूज करोगे, वर्किंग कैपिटल। तो जहां पर भी ये पैसा यूज करोगे वहां से आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, और वो आपकी रिटर्न मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम रिटर्न कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10%। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी लॉन्ग टर्म फंड का पैसा वर्किंग कैपिटल के नाम से यूज करोगे या फिक्स्ड एसेट के नाम से यूज करोगे, एक बात आपको बस अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि ये पैसा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे नहीं मिला, ये पैसा आपको कितने रेट पे मिला, 10% पे मिला। तो इस पैसे को जहां भी आप यूज करोगे आपको मिनिमम रिटर्न कितनी चाहिए होगी, 10% या 10% से ज्यादा। तो उसके अलावा पैसा यूज करते टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा मैं कहां यूज करूं ताकि आपके रिटर्न मिनिमम कितने आ जाए, 10%, और आपकी कोशिश होगी कि आपके रिटर्न हमेशा 10% से क्या हो, ज्यादा। दूसरा पॉइंट, जो 10 लाख रुपए आपके पास आए हैं उसमें कितना पैसा मैं फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगाऊं और कितना पैसा मैं वर्किंग कैपिटल में लगाऊं, मुझे ये नहीं पता भी। तो आज की क्लास में जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, हेडिंग देखो क्या लिखी आपके लिए,
एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि किसी से भी पैसा उधार लेना बड़ा आसान होता है, पर यदि पैसा लेने के बाद उसे मैं यूज ही ना करूं तो रिटर्न तो जीरो आएगी और मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी एक साल की, 10%। तो पहला पॉइंट है कि मुझे पैसा चाहिए कितना वर्किंग कैपिटल के नाम से। ऐसा ना हो कि मुझे रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपए की मान लो वर्किंग कैपिटल में, और फिक्स एसेट मुझे 5 लाख की खरीदनी है, तो मेरी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 लाख, और मैंने पैसा ले कितना लिया, तो जरूरत है 7 लाख की, ले लिया 10 लाख, इस तरह 3 लाख रुपए वो अमाउंट होगा मेरे लिए जिसमें मेरी रिटर्न कितनी होगी, 0, और कॉस्ट कितनी होगी, 10%। तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, एक साल का मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस 3 लाख रुपए पर रिटर्न तो कुछ आनी नहीं है, बट उस 3 लाख पे भी मुझे 10% डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक साल के बाद में। तो सबसे पहले पैसा लाते टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज आप खरीदना चाहते हैं या जिस पैसे को आप यूज करना चाहते हैं जहां पर भी, वहां पर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। बात समझ में आ रही है? हांजी, लॉन्ग टर्म फंड्स यूज्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब कि यहां पे हम कह सकते हैं करंट असेट, जो भी पैसा लॉन्ग टर्म फंड का बिजनेस की करंट असेट में इस्तेमाल होता है इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। देखिए, करंट असेट में हमारी मेन करंट असेट कौन कौन सी होती है, एक आपके पास है स्टॉक, लॉन्ग टर्म फंड का मीनिंग क्लियर हो गया। तो देखिए, जब भी हम लॉन्ग टर्म फंड का पैसा लेंगे शेयर होल्डर से या किससे, आपके पास जनरली क्या आएगा, कैश आ जाएगा। आप शेयर इशू करोगे, एंट्री पास करोगे बैंक टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशू करोगे बैंक टू डिबेंचर्स, बैंक से लोन लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सभी केसेस में पैसा आ जाएगा आपके पास में। उस पैसे का करोगे क्या, इन्वेस्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म फंड का जो पैसा आपने करंट असेट में इन्वेस्ट किया होगा, उस पैसे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए कंपनी के पास जो स्टॉक है वो 5 लाख रुपए का है, और उस 5 लाख रुपए में उन्होंने 3 लाख रुपए का स्टॉक कैश में खरीदा, तो जो स्टॉक उन्होंने 3 लाख रुपए का कैश में खरीदा होगा वो पैसा आया किससे होगा, लॉन्ग टर्म फंड से। जो गुड्स हमने कस्टमर को क्रेडिट पे बेचा होगा, उस गुड्स को बनाने में पैसे कहां से आए होंगे, लॉन्ग टर्म फंड से। जो पैसा आपने बैंक में मिनिमम मेंटेन कर रखा है, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो पैसा कहां से आया होगा आपके पास, लॉन्ग टर्म फंड से। तो लॉन्ग टर्म फंड का जो पैसा आप करंट एसेट के नाम से यूज करते हैं उस पैसे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो सारे पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें।
लिख लिया सबने? यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमारे पास में तरीके कितने हैं? दो। तो लॉन्ग टर्म फंड का जो भी पैसा वर्किंग कैपिटल के नाम से आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो पैसा आपको कितना चाहिए? क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता पैसा चाहिए कितना, जिस भी पर्सन से पैसे मांगने जाओगे, या तो पैसे आप ज्यादा ले लोगे या पैसा उससे कम लोगे। पैसा यदि कम ले लिया तो भी दिक्कत है, कि जितनी रिक्वायरमेंट है यदि उससे कम पैसा आपके पास होगा तो काम बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और यदि ज्यादा पैसा ले लिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि जितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि वो पैसा भी आपने ले लिया तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट की कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ेगी, जिसपे आपके रिटर्न होगी जीरो और आपको प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। नोट कर लीजिए सारी बात। देखिए एग्जाम में चार से पांच चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक रेशो, दूसरा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तीसरा कैपिटल बजटिंग, फोर्थ आपके पास है लीवरेज, फिफ्थ आपके पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सिक्स्थ आपके पास है रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये छह ऐसे चैप्टर है जिसमें से एवरेज चार से पांच क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और पास होने के लिए मेरे ख्याल से बहुत है। यदि एक क्वेश्चन आठ नंबर का भी आ गया और पांच चालीस हो गए ना, ज्यादा करके जाओगे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कैपिटल बजटिंग, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिसीवेबल मैनेजमेंट, लीवरेज और एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कोई भी कंपनी अपने फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट कर पा रही नहीं कर पा रही, उसे चेक करने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी टेक्निक जो एक कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन यूज करता है ये जानने के लिए कि जो फंड्स वो बिजनेस में लेके आ रहे हैं क्या वो एफिशिएंटली उस फंड को यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो मैंने 10% पे फंड्स रेज कर लिया और पता चला मेरी रिटर्न 8% आ रही है, इसका मतलब मैं अपने फंड्स को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा। अच्छा मेरी रिटर्न भी 10% है, मेरी कॉस्ट भी 10% है, तो भी मैं अपने फंड को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि 10% मैंने डिविडेंड और इंटरेस्ट दे दिया और 10% मेरी कमाई है, तो मेरे लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो यदि इंसान के लिए खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ऐसा काम वो ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा ना। 10 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए खर्च कर रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा उसके लिए, तो वो बिजनेस को एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी बिजनेस की। तो बिजनेस अपने पैसे को सही तरीके से कैसे यूज कर पाएगी?
जब उसकी रिटर्न उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो। तो रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए जो टेक्निक आपकी बनाई गई है उसका नाम क्या रख दिया गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी लिखे, स्टार्ट करिए आगे। देखिए भाई, बिजनेस में हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो यदि मुझे फिनिश गुड बनाना है तो फिनिश गुड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी, उस फैक्ट्री में मुझे क्या चाहिए होगा, एक मशीन चाहिए होगी। ठीक है जी, इस मशीन को चलाने के लिए मुझे पावर सप्लाई भी चाहिए, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर हमें रॉ मटेरियल भी डालना पड़ेगा। ठीक है जी, मशीन की मेंटेनेंस भी होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, मशीन से जो गुड्स बनेगा इसको चेक भी तो करना पड़ेगा, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सुपरवाइजर की। क्या ये वर्कर फैक्ट्री में इस मशीन में अंधेरे में काम करेगा, तो उसको लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं। ठीक है जी, फैन भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पैसा चाहिए। तो जो पैसा मुझे डेली बेसिस पे चाहिए फैक्ट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पैसे को हमने नाम क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, मशीन खरीदना हमारे लिए क्या माना जाएगा, परचेज ऑफ मशीन, ये आपके लिए है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। मशीन के अलावा जो भी खर्चे आपको रेगुलर बेसिस पे फैक्ट्री के अंदर करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे खर्चे किस नाम से बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं, वर्किंग कैपिटल के नाम से। पॉइंट यहां पर ये बनता है कि वर्किंग कैपिटल के नाम से बिजनेस को पूरे साल में कितना पैसा चाहिए, ताकि उस पैसे को मैं समय पे अरेंज कर सकूं, ताकि जब गुड्स बनाया जाए तो पैसे की कमी की वजह से मेरा काम बीच में ना रुके। तो वर्किंग कैपिटल को निकालते टाइम कितने फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, तीन चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, क्वांटिटी, दूसरा आपकी कॉस्ट और तीसरा आपका टाइम। नोट करते जाइए। तो किसी भी बिजनेस में
तो देखिए मशीन से रेगुलर बेसिस पे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए उस पैसे को हमने नाम क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। पहला पॉइंट, ये पैसा लेके किससे आना है, लॉन्ग टर्म फंड से। लॉन्ग टर्म फंड से जब पैसा लेके बिजनेस में लगाओगे तो उस पैसे की कोई ना कोई कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और आपकी रिटर्न क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो पहला पॉइंट है कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा आपको चाहिए कितना। तो जो पैसा बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए उस पैसे को कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और उस वर्किंग कैपिटल को निकालते टाइम कौन कौन सी चीजें वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो पहला पॉइंट आपके लिए क्या है, क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे तो मेटेरियल भी ज्यादा लगेगा, लेबर भी ज्यादा लगेगी, मशीन भी ज्यादा चाहिए होगी, तो पावर की कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा। मतलब कि आपका खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि क्वांटिटी कम बनाओगे तो मेटेरियल भी कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगी, कम नंबर ऑफ मशीन चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो लगेगा मशीन में वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम का मतलब क्या, टाइम का मतलब है कितने समय के लिए आपको पैसा बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए। पहली बार इस मशीन से गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, क्योंकि जो पैसा पहली बार लगेगा उससे गुड्स बनेगा, गुड बिकेगा, कस्टमर से वापस पैसे आएंगे, वो पैसे फिर वापस कहां लग जाएंगे, बिजनेस में लग जाएंगे। तो बिजनेस में पहली बार गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। कि जो गुड्स आप इस मशीन से बना के कस्टमर को बेचोगे वो पैसा कस्टमर से वापस आने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए 6 महीने का समय लगता है, तो आपको अपना पैसा बिजनेस में लगाने के लिए वन टाइम पहली बार कितनी बार चाहिए, कितना समय के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए। तो उसको ना 6 महीने के लिए पैसा चाहिए होगा तो ऑब्वियस है आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। यदि पैसा आपको 2 महीने में वापस मिल जाएगा तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो वर्किंग कैपिटल को चेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, एग्जाम में यदि आपसे पूछे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल तो आपका आंसर क्या होगा, क्वांटिटी, दूसरा कॉस्ट, और तीसरा आपके पास क्या होगा, टाइम। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। और दूसरा आपके पास हो गया फॉर्मूला मेथड का मतलब हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसको आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा, देखने में बड़ा आसान लग रहा है कौन सा मेथड, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि करंट एसेट में क्या क्या चीज हो सकती है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी, एडवांस, टैक्स एक्सेट्रा। ऐसे करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, स्टॉक में भी कितने तरीके के स्टॉक हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। अच्छा, मान लीजिए इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 10 रुपए, ये 12 रुपए, 18 रुपए, 50 रुपए। तो बताइए मेरी टोटल करंट एसेट कितनी है, टोटल करंट एसेट कितनी होगी, 10 और 12 22 और 18 कितने हो गए, 40 और 50 90 100 120। 120 रुपए की मेरी होगी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में हमने ले लिया मान लीजिए 8 रुपए, कितने हो गए, 30 रुपए। तो इसको ना मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 120 में से 30 माइनस कर दिया 90 रुपए,
तो वर्किंग कैपिटल निकालना बहुत आसान आपके लिए हो गया। कब? जब जितनी भी करंट एसेट और जितनी भी करंट लाइबिलिटी है उनकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी हो तो। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें कोई भी वैल्यू आपको दे नहीं रखी होगी, सारी वैल्यू आपको खुद कंप्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इतना आसान थोड़ी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि सबको दे रहे हैं आपको। फॉर्मुला जरूर आपने बचपन में सीख लिया होगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। बट ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है वो आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो करंट एसेट में रॉ मटेरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, WIP कैसे निकलेगा, फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएगी। जब आप जितने भी करंट एसेट हैं उन सब की वैल्यू निकाल लोगे तो सारी करंट एसेट का टोटल, जैसे मैंने 120 रुपए फटाफट से निकाल दिया था, आप भी निकाल लोगे। ऐसी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में होंगी उनकी वैल्यू ढूंढने के बाद आपको सारी की सारी करंट लाइबिलिटी भी मिल जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का काम वही स्टूडेंट कर पाएगा इस चैप्टर में जिसको क्या निकालना आएगा, करंट एसेट के जो एलिमेंट्स हैं ये, इन सब की मिसिंग वैल्यू आपको क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। हाँ जी, दूसरा आपके पास है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू नेट ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइडेड बाय 365 प्लस कैश इन बैंक बैलेंस। तो मेथड नंबर वन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू नेट ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइडेड बाय 365। हाँ, फॉर्मूला छोटा है और इस फॉर्मूले में आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिर्फ क्या निकालना है, एक तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है और दूसरा क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, और तीसरा क्या निकालना है, कैश एंड बैंक बैलेंस। यदि दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो निकालने का कोई ना कोई तरीका भी उन्होंने बताया होगा आपको क्वेश्चन में। तो मेथड नंबर वन से शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हमें करना क्या है, पूरे साल में बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल के नाम से आपको कितना पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए पहला मेथड हम यूज करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। इसमें पहले मैं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या वो बताऊंगा, फिर बात करेंगे किसकी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की। लिख लिया सबने? देखिए भाई, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल हमें किससे मिलेगा, सप्लायर से। सप्लायर से मटेरियल खरीदने के बाद वो मटेरियल सबसे पहले हम कहां पे रखेंगे, स्टोर। स्टोर से वो मटेरियल कहां भेजेंगे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री से मटेरियल कहां जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में, और सेल डिपार्टमेंट से वो गुड्स हम किसको देंगे, अच्छा ये बताइए जब भी हमने मटेरियल खरीदा होगा सप्लायर से, जिस दिन मटेरियल आपके पास आया होगा क्या सारा का सारा मटेरियल उसी दिन कंज्यूम हो गया होगा, या मटेरियल आप ज्यादा खरीदते हो यूज कम करते हैं, खरीदते तो ज्यादा,
यूज कैसे करते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल यूज करते चले जाएंगे। तो मान लीजिए हमने जो मटेरियल खरीदा है स्टोर के अंदर, वो इतना मटेरियल खरीद लिया कि कितने दिन में कंज्यूम होगा, मान लीजिए 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। तो रॉ मटेरियल सप्लायर से रिसीव करने के बाद जब वो मटेरियल हमने स्टोर में रखा, तो वो मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री में कितने दिन बाद जाएगा, मान लीजिए कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। तो 10 दिन को हमने एक नाम दे दिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इसको ना सबसे पहले जो मटेरियल हमने सप्लायर से खरीदा वो मटेरियल कितने दिन तक स्टोर में रहेगा, 10 दिन। तो इसको ना हमारा पैसा ब्लॉक हो गया कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। किस नाम से, रॉ मटेरियल के नाम से, कहां पर, स्टोर में। अच्छा 10 दिन बाद वो मटेरियल हमने स्टोर से कहां पे भेजा, फैक्ट्री में भेजा। इसका ना हम 10 दिन पहले ही एडवांस में मटेरियल खरीद के रखते हैं, ताकि सप्लायर यदि मटेरियल को डिलीवर करने में डिले भी कर दे तो फैक्ट्री में मटेरियल टाइम पे पहुंच सके। तो कितने दिन पहले हमने मटेरियल एडवांस पे खरीद कर रख लिया, 10 दिन। अच्छा जब मटेरियल फैक्ट्री में भेजा तो क्या सेम डे फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो भी सकता और नहीं भी। तो मान लीजिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाने में प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन लग गए, तो 15 डेज मेरे लिए क्या बन गया, WIP वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। WIP कन्वर्जन पीरियड का मतलब है प्रोसेसिंग टाइम, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनने में कितना समय लगा। जैसे आपने एडमिशन लिया फाउंडेशन में और फाइनल तक आपको लगते हैं मान लीजिए 2.5 साल या 3 साल, तो 2.5 से 3 साल का जो आपका टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए क्या है, प्रोसेसिंग पीरियड है ना। तो कोई भी आपसे पूछे प्रोफेशनल कोर्स को करने में कितना समय लगता है, तो आपने कहा 3 साल का समय, तो 3 साल आपके लिए क्या है, WIP कन्वर्जन पीरियड है, प्रोसेसिंग पीरियड हो गया ना। अच्छा जैसे ही फिनिश गुड बनके तैयार हो गया फैक्ट्री के अंदर, आपने उसे कहां भेज दिया, सेल डिपार्टमेंट। क्या सारा का सारा गुड सेल डिपार्टमेंट में जिस दिन पहुंचेगा उस दिन बिक जाएगा, या बेचने में कुछ समय लगेगा? अच्छा बेचने में समय वैसे बिल्कुल नहीं लगेगा यदि आप लोगों को इस कंडीशन पे बेचे कि सामान आज खरीदो पैसे कभी मत दो, तो मिनट नहीं लगेगा सारा सामान आपका बिक जाएगा। पर दिक्कत क्या आएगी, यदि हम इस तरीके से काम करेंगे तो 2-3 दिन 10 दिन 15 दिन बाद हमारे पास फैक्ट्री में जितना पैसा हमारे पास था सारा खत्म हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद जो लोग हमारे वहां आ रहे थे सामान फ्री में लेने, हम भी उनकी लाइन में लग जाएंगे उनके साथ, हमारा भी तो सारा पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो इसका ना बिजनेस को चलाए रखने के लिए आपको ऐसे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे जो गुड्स भी खरीदे और उनकी इंटेंशन क्या हो, पैसे भी दें। तो गुड कस्टमर को ढूंढने में मान लीजिए कितने दिन का समय लग गया, 20 दिन का। तो आप इसको नाम दोगे फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। अच्छा 20 दिन बाद या 20 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा गुड बिक गया अच्छे कस्टमर के पास, अच्छे कस्टमर का ना गुड कस्टमर जो पैसा देना चाहते हैं, बट गुड कस्टमर की कंडीशन है कि भी सारे पैसे हम आपको आज नहीं देंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद। तो मान लीजिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, कस्टमर कहते हैं जी हम आपका पैसा देंगे लेकिन कब, 30 दिन बाद। तो 30 दिन को हमने नाम दे दिया डेटर कलेक्शन पीरियड, क्या नाम दे दिया, अच्छा एक बात बताइए आपका पैसा सबसे पहले कितने दिन के लिए ब्लॉक हुआ, 10 दिन के लिए, किस नाम से, रॉ मटेरियल के नाम से, कहां पर, स्टोर में। फिर आपका पैसा ब्लॉक हो गया कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कहां पर, फैक्ट्री में। फिर 20 दिन के लिए ब्लॉक हो गया किस नाम से, फिनिश गुड्स के नाम से, कहां पर, सेल डिपार्टमेंट। फिर वो गुड्स किसके पास चला गया, कस्टमर के पास, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो पैसा आज मेरे पास था मेरी पॉकेट में, वो पैसा अब यदि मैं बिजनेस में लगा दूं तो कितने दिन के बाद वो पैसा मुझे वापस मिलेगा, 10 + 15 = 25 + 20 = 45 + 30। तो उसका ना मेरा पैसा कितने दिन के लिए ब्लॉक हो गया, 75 डेज के लिए। बट सप्लायर एक ऐसा पर्सन है, उसने भी मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई किया इस कंडीशन पे कि मैं आपसे पैसे कितने दिन बाद लूंगा। बट जब हम अपने कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हैं तो सप्लायर के लिए हम भी तो कस्टमर है, तो सप्लायर ने हमें कितने दिन के लिए रॉ मटेरियल उधार दे दिया, 8 दिन के लिए। इसका ना सप्लायर का पैसा मैंने अपने बिजनेस में कितने दिन के लिए यूज किया, 8 दिन के लिए। जिस तरीके से मेरा पैसा मेरा कस्टमर यूज कर रहा है 30 दिन के लिए, उसी तरीके से सप्लायर का पैसा एज अ कस्टमर हमने कितने दिन के लिए यूज किया, 8 दिन के लिए। तो ये बताइए कि अब पैसा बिजनेस में कितने दिन बाद मेरा वापस आएगा। भाई 10 दिन के लिए जो पैसा बिजनेस में लगा था उसमें से 8 दिन का पैसा तो किसका है, सप्लायर का ना। तो
तो मेरा पैसा तो कितने दिन के लिए यूज हुआ? दो दिन के लिए। तो 75 डेज मेरा ग्रॉस पीरियड था, 75 डेज क्या था? ग्रॉस। और उसमें से यदि मैं 8 दिन माइनस कर दूं, क्योंकि 8 दिन के लिए पैसा मैं किसका यूज कर रहा हूं? दूसरे का यूज कर रहा हूं। तो 75 में से 8 माइनस करो कितना आएगा? 67। तो 67 मेरे लिए क्या आ जाएगा? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो पैसा कितने दिन में आपको वापस मिलेगा, क्योंकि जब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा तब तक वो पैसा कहां पे यूज होता रहेगा? बिजनेस में। तो जब भी मैं किसी से पैसे उधार लेने जाता हूं, सबसे पहले पूछते हैं भी कितना पैसा चाहिए, और दूसरा पॉइंट कब वापस करोगे। तो वापस तो मैं तभी कर पाऊंगा जब वो पैसा वापस मुझे बिजनेस से मिलेगा। तो बिजनेस से पैसा वापस आने में कितना समय लगता है, उस पैसे को बोलते हैं, उस टाइमिंग को क्या कहते हैं? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। और बिजनेस में जितना पैसा लगेगा 67 डेज में, उस पैसे को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो 67 डेज में जितना पैसा मेरा बिजनेस में यूज हो रहा होगा, उस पैसे की रिक्वायरमेंट को मैं क्या नाम दूंगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए सारी चीजें। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एनओसी नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे बताइए भाई? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटा कलेक्शन पीरियड। अच्छा, ये 8 दिन का नाम क्या होगा? क्रेडिटर पेबल पीरियड। तो माइनस कर देंगे क्रेडिटर पेबल पीरियड। अच्छा, एक बात बताइए कितना टाइम आया अब? 10 दिन, 15, 20, 30, और इसमें से माइनस किया 8। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में जो पैसा आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने दिन के लिए बिजनेस में यूज होता रहेगा? 67 डेज के लिए। तो उसका मतलब 67 डेज के लिए कितना पैसा बिजनेस में यूज होगा वो पैसा मुझे पता लगाना है, जिसको हम नाम देंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो पैसा आज मैं 67 डेज के लिए लगा दूंगा वो पैसा 67 डेज बाद वापस आ जाएगा। तो मुझे पैसा चाहिए कितने दिन के लिए? सिर्फ 67। आज मान लीजिए मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं 10 दिन के लिए, तो 10 दिन बाद तो आप मुझे पैसे दे रहोगे ना, तो उसका नाम मेरा पैसा आप कितने दिन के लिए यूज कर रहे हो? 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए जो पैसा आप मेरा यूज कर रहे हो वही पैसा तो मैंने आपको फाइनेंस किया ना। नोट कर लीजिए सारी चीजें। देखिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। इसमें अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब भी पढ़ोगे फटाफट समझ में आ जाता है। तो ग्रुप टू में सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। कंडीशन समझने के बाद, ठीक है ना, और समझ में वो तभी आएगा जब ध्यान से सारी बातें सुनोगे। ठीक है, हर चीज का कनेक्शन है। अच्छा, पैसा कितना चाहिए इतना सोच के हो रहे हम, क्योंकि वो पैसा हमें लेके किससे आने? लॉन्ग टर्म फंड से। और लॉन्ग टर्म फंड पैसा देने को तैयार है किस कंडीशन पे? कि हर साल उनको डिविडेंड और बदले में क्या मिले? इंटरेस्ट। तो पैसा देने वाला पैसा देने को तैयार है, लेकिन हमें भी तो सोच समझ के पैसा उधार लेना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि पैसा ज्यादा ले लें और रिक्वायरमेंट क्या हो? कम। तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा ले लिया जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस पर रिटर्न तो कुछ आनी नहीं, और अननेसेसरी आपकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? कम। और शेयर होल्डर को प्रॉफिट कम मिलेगा, इससे मार्केट वैल्यू आपकी क्या होगी? शेयर की कम होगी। कम पैसा ले लिया तो दिक्कत है, बीच में काम रुक जाएगा, कस्टमर को टाइम पे गुड डिलीवर नहीं कर पाएंगे, फिर से प्रॉफिट क्या होगा? कम। मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी? फिर से खराब हो जाएगी, भाई इनके पास तो पैसे ही खत्म हो गए, काम करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो ऐसा बिजनेस में हमारे साथ ना हो, ना पैसे कम पड़े ना पैसे ज्यादा हो। पहले आप रिक्वायरमेंट पता लगाओ कितना पैसा बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि बिजनेस में आपका पैसा यूज कितने दिन के लिए किया जा रहा है। तो पता लगा 67 डेज के लिए आपका पैसा बिजनेस में यूज किया जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि 67 डेज के लिए कितना पैसा बिजनेस को चाहिए। तो पॉइंट नंबर टू, अब मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट।
एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आठ आठ नंबर के दस दस नंबर के क्वेश्चन आए हुए इस मेथड पे पहले एग्जाम में और बहुत आसान लगेगा थोड़ी देर बाद आपको। अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उस कॉस्ट को क्या कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले हमने बात किया किसका, स्टार्टिंग की रॉ मटेरियल परचेज से, प्लस वेजेस, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस ये जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने निकाली है कितने समय के लिए निकाली है, एक साल के लिए। तो फॉर्मूले के अंदर दो मिनट के लिए देखिए, मैंने किससे डिवाइड किया था 365 से, क्यों किया था, क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो कितने साल की है, एक साल की है, और एक साल में कितने दिन है 365 दिन है। तो यदि मैं एक साल की कॉस्ट को 365 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा बिजनेस में एक दिन के लिए कितना पैसा चाहिए, और एक दिन के लिए कितना पैसा चाहिए वो पता चलने के बाद बिजनेस में टोटल कितने दिन के लिए पैसा चाहिए 67 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा 67 डेज के लिए कितना पैसा आपको चाहिए। प्लस यदि बिजनेस में बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हो तो उतना पैसा आपको और चाहिए होगा। ये जो पहले वाली कैलकुलेशन आपने निकाली है इसका रिलेशन तो हो गया रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर बेचने में कितना पैसा आपको चाहिए। उसके अलावा यदि बिजनेस में बैंक में भी कुछ पैसे रखना चाहते हो तो वो पैसे आपको अलग चाहिए होंगे। तो 365 से डिवाइड करने की वजह समझ में आ गई, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आप निकाल रहे हो अभी फॉर्मूला लगा के वो एक साल की कॉस्ट बताता है और मुझे आंसर किसका चाहिए पहले एक दिन का, ताकि मैं 67 से मल्टीप्लाई करके ये पता लगा सकूं कि बिजनेस में कितने दिन के लिए, मतलब टोटल पैसा जो मुझे चाहिए 67 डेज के लिए वो कितना चाहिए। लिख लिया तक सबने, रिपीट करना कुछ इसमें तो को फॉर्मूला याद भी नहीं करने की जरूरत है, सबको प्लस करना है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है माइनस। तो सारे खर्चे कौन कौन से हो गए, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, ये पांच चीजें प्लस की आपने, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। तो फॉर्मूला कैसे बना वो यदि क्लियर हो जाए तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नोट कर लिया सबने, मान लीजिए क्वेश्चन में टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 7,30,000 रुपए पर एनम, कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है वो मान के चलते हैं 40,000 रुपए, यानी एनओसी फुल फॉर्म क्या, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, क्या बताता है आपको ये
कितने दिन के लिए आपका पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है? मान लीजिए 67 डेज। हनी निकालना क्या क्वेश्चन में? फाइंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। हनी पहला एग्जांपल मैंने बिल्कुल सिंपल दिया ताकि फॉर्मूला कैसे यूज करना वो आपको समझ में आ सके। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सा मेथड यूज करने? बताइए भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा जाए? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू एनओसी डिवाइडेड बाय प्लस। फॉर्मूला कैसे बना वो क्लियर हो गया? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7,30,000 और 7,30,000 पे आपकी रिक्वायरमेंट है कितने दिन की? 365 दिन की। तो 365 से डिवाइड करके जरा बताइए कितना आएगा? 2000। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन में मेरे बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? 2000 रुपए। और 67 डेज के लिए पैसा यदि चाहिए तो कितना चाहिए होगा? तो 365 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2000 और 2000 को 67 से 67 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा जल्दी बताइए? 1,34,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1,74,000 1,74,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा यदि मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा इन पांचों में से कहां कहां हो सकता है तो आपका क्या आंसर होगा? तो डेप्रिसिएशन इसमें हो सकता है? इसमें हो सकता है? चलो एक मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर बना दिया आपके लिए 2। सपोज करते हैं रॉ मटेरियल परचेज आपको दे रखा है 5,00,000 रुपए, वेजेस आपको दे रखा है 3,00,000 रुपए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2,00,000 रुपए, एडमिनिस्ट्रेटिव 1,50,000, सेलिंग 1,00,000, ओपनिंग 60,00,000, क्लोजिंग 80,00,000। पहले तो एक बात बताइए कि क्या डेप्रिसिएशन फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग तीनों में हो सकता है या सिर्फ फैक्ट्री में होता है? कितने लोग मानते हैं कि डेप्रिसिएशन तीनों जगह हो सकता है? वो कई लोग तो शर्मा रहे हैं। डेप्रिसिएशन का खर्चा तीनों जगह हो सकता है नहीं हो सकता, बस इतना पूछा मैंने आपसे। हो सकता है भाई। डेप्रिसिएशन यदि फैक्ट्री की फिगर सेट पे लगता है तो डेप्रिसिएशन का खर्चा किसमें जोड़ा जाता है? फैक्ट्री एक्सपेंस में। और यदि डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फिगर सेट पे लगता है तो वो डेप्रिसिएशन किसका पार्ट माना जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव का। और यदि डेप्रिसिएशन
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की फिक्स्ड एसेट पे लगा तो वो डेप्रिसिएशन किसका पार्ट माना जाएगा? सेलिंग डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए डिलीवरी वैन, आपने नाम सुना होगा, जिसका काम होता है गुड्स को कस्टमर के पास डिलीवर करना, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है? सेलिंग का। तो उसका डेप्रिसिएशन कौन से एक्सपेंस में जोड़ना पड़ेगा? सेलिंग में। ऑफिस के अंदर प्रिंटर यूज हो रहा है, फर्नीचर यूज हो रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है, एसी यूज हो रहे हैं, उनका डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जोड़ा जाएगा। फैक्ट्री के अंदर जो मशीन यूज की जा रही है उनका डेप्रिसिएशन कहां पे लगेगा? फैक्ट्री में। अच्छा यदि क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ लिखा है डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए, ये नहीं बता रखा कौन से डिपार्टमेंट का है, तो बाय डिफॉल्ट सारा का सारा हम किसका मान के चलेंगे? फैक्ट्री का। ये सोच के कि वो डेप्रिसिएशन किस पे लगाया गया होगा? मशीन पे। और मशीन का काम होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मतलब कि फैक्ट्री का खर्चा मान लिया जाएगा। तो यहां पे लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए और इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। पॉइंट नंबर वन मैंने आपको यहां पे दे दिया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर टू, एनओसी अभी आपको दे रखा है मैंने कितने दिन? 70 डेज। यानी कैश एंड बैंक बैलेंस मैंने आपको मान लीजिए दे दिया, सपोज करते हैं 30,000 रुपए। फाइन करना क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड अंडर पॉइंट नंबर वन कैश बेसिस, पॉइंट नंबर टू टोटल बेसिस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए भाई, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको यहां पे निकालना है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, जिसमें मटेरियल आपने कितने का खरीदा? 5,00,000 का। वेजेस आपने कितनी पे की? 3,00,000 की। फैक्ट्री एक्सपेंस है 2,00,000 रुपए, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है 1,50,000, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,00,000 है, डेप्रिसिएशन 10 है, ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू दे रखी है। यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो अपना आंसर कैसे निकालोगे? अच्छा, आंसर दो बार मांग रहे हैं, किसके बेस पे? कैश बेस से। तो दूसरा कौन सा है? टोटल बेस से। दोनों में फर्क क्या है? हाँ जी, एक में यदि डेप्रिसिएशन का खर्चा हटा दिया जाए तो आपकी जो कॉस्ट निकलेगी वो कौन से बेसिस पे निकलेगी? कैश बेसिस पे। और यदि डेप्रिसिएशन ना हटाया जाए तो आपका आंसर कौन से बेसिस पे आएगा? टोटल बेसिस पे। अब पॉइंट ये बनता है कि डेप्रिसिएशन हटा क्यों रहे और डेप्रिसिएशन क्यों नहीं हटा रहे? यानी जब मैं पहले सुन लो, किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता तो फिर मैं बताऊं। नॉन कैश से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकालते टाइम अपना आंसर दो बार क्यों निकालना चाहता हूं? देखिए, जब हम वर्किंग कैपिटल का पैसा फाइनेंस करवाने जाते हैं, मतलब उधार मांगने जाते हैं, किससे? बैंक से। तो बैंक वाले कहते हैं वो पैसा हमसे उधार मांगिए जो पैसा बिजनेस में गुड्स को बनाने के लिए आपको चाहिए, जो पैसा आपको गुड्स बनाने में नहीं चाहिए वो पैसा आप हमसे उधार मत मांगो। ठीक है जी, ध्यान से समझिए। मान लो यदि मैं इन सबको प्लस करके 60,000 प्लस कर दूं, 80 माइनस करूं, नोट कर लिया तक सबने? हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर जो टू है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए पहले एक वर्किंग नोट मैं आपको बना के दूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे निकालनी है, एक बार कौन से बेसिस पे? टोटल बेसिस पे, और एक बार किस पे? कैश बेसिस पे। अच्छा, रॉ मटेरियल कितने? प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या कर दोगे? क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल परचेज कितने? वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव
सेलिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग कितने? 80,000। कितना लिखें? 12 लाख। 12,30। अच्छा जी, मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो 2 लाख में से 30,000 रुपये हटा दो। 2 लाख में से यदि मैं 30,000 रुपये हटा दूंगा तो कितना आएगा? 1,70। 1,50 में से मान लीजिए मैंने 20,000 डेप्रिसिएशन हटा दिया, 1,30। 1 लाख में से डेप्रिसिएशन हटा दिया, 90। 60 और कितना है? 80। 11,70,000। अब एक बात को समझिए, टोटल बेसिस पे मेरी कॉस्ट है 12,30,000 और कैश बेसिस पे मेरी कॉस्ट कितनी है? 11,70,000। जब मैं बैंक से पैसे उधार मांगने जाऊंगा तो बैंक वाले कहते हैं कि जब भी आप हमसे पैसे उधार मांगने आए, सबसे पहले ये ध्यान रखना उस पैसे में क्या चीज शामिल नहीं होनी चाहिए? डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप मान लीजिए 12,30,000 रुपये उधार लेने आते हैं तो उसमें से आपका डेप्रिसिएशन कितना कितना था? एक जगह था 30,000, एक जगह कितना 20 और एक जगह कितने 10। इसका ना 60,000 रुपये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चा जो खर्चा तो माना जाता है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती किसी को, और जिस खर्चे की आपने किसी को पेमेंट ही नहीं करनी वो पैसा आप मांग के करोगे क्या? पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, यूज कहीं होगा नहीं, तो जब उस पैसे का कहीं रिटर्न ही नहीं आना तो उस पैसे को ले किस ले रहे हो? तो आपकी रिक्वायरमेंट 12,30,000 थोड़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 11,70। तो जब मैं बैंक से फाइनेंस कराने जाता हूं वर्किंग कैपिटल का पैसा, तो बैंक वाले कहते हैं आप अपना आंसर किसके बेसिस पे लेके आए? कैश बेसिस पे। लेकिन जब मुझे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स कौन से बेसिस पे बनते हैं? टोटल बेसिस पे। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब एक कंपनी करती है, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब एक कंपनी करती है तो कौन से बेसिस पे करती है? अपने लिए। फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो टोटल बेसिस पे, और यदि फंड्स रेस करने हैं तो कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे। तो फंड्स का मतलब क्या? जो पैसा मुझे बोरो करना है वर्किंग कैपिटल के नाम से बैंक से या किसी भी जगह से, वहां पे आंसर कौन से बेसिस पे चाहिए होता है? कैश बेसिस, क्योंकि वो कहते हैं उतना ही पैसा उधार लीजिए जितना पैसा आपको देने के लिए चाहिए। जो पैसा आपने किसी को देना नहीं है वो पैसा उधार मत मांगो। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स हमारे बनता है अक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? अक्रूअल। तो जो पैसा मुझे अपनी फाइनल अकाउंट का मतलब है बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग पीएनएल की बात कर रहा हूं, तो बैलेंस शीट में जब मैं अपने डेटर्स की वैल्यू लिख के दिखाऊंगा, अब फाइनल अकाउंट का पॉइंट क्या वो क्लियर करते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम बात करते हैं कौन सी साइड की? एसेट साइड की। एसेट साइड में एक तो हमारे पास है फिक्स्ड एसेट, दूसरी हमारे पास क्या? करंट एसेट में हम बात कर रहे हैं किसकी? अच्छा, डेटर्स को जब हमने गुड बेचा होगा तो क्या एंट्री पास की होगी? डेटर टू सेल किया होगा। इसको ना जब हमने गुड्स कस्टमर को सेल किया तो हमने एंट्री पास की होगी डेटर टू सेल। इसको ना यहां जो सेल वैल्यू है उसके अंदर क्या क्या चीज होंगी? उस सेल के अंदर आपकी तीन चीजें हैं, एक आपके कैश एक्सपेंसेस, एक आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस और एक आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट। कैश एक्सपेंसेस का मतलब जो पैसे आपने सप्लायर को मेटेरियल के पे किए, मेटेरियल कॉस्ट, जो पैसे आपने वर्कर को दिए वेजेस, जो फैक्ट्री का रेंट आपने दिया कैश फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है जी। नॉन कैश एक्सपेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन की। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने गुड्स कस्टमर को 10 लाख रुपए का सेल किया और अभी तक 10 लाख में से 1 रुपए भी नहीं आया मेरा, तो मैं तो बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू डेटर के नाम से कितना लिखूंगा? 10 लाख लिखूंगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि मान लीजिए कैश एक्सपेंसेस सपोज करते हैं मेरे 6 लाख रुपए हैं, डेप्रिसिएशन मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए है और प्रॉफिट मान लीजिए मेरे पास कितना है? 3 लाख रुपए।
तो 10 लाख रुपए में मैंने क्या लिखा, 6 लाख रुपए कैश एक्सपेंसेस है, 1 लाख रुपए नॉन कैश एक्सपेंस है और 3 लाख रुपए मेरा कौन सा है, प्रॉफिट है। तो 6 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख प्लस 3 लाख कितने हो गए, 10 लाख। तो जब एक कंपनी अपने फाइनल अकाउंट तैयार करती है तो फाइनल अकाउंट में हम अपनी एसेट की वैल्यू वो दिखाते हैं जो पैसा हमें कस्टमर से लेना है, और जो पैसा हमने कस्टमर से लेना है उसमें हमें कैश एक्सपेंस के भी पैसे लेने, नॉन कैश के भी लेने और साथ में किसका पैसा भी लेना है, प्रॉफिट का लेना है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितने तरीके से की जाती है कंपनी में, दो तरीके से, दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसा लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब दिखाने की बात आती है, मतलब अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक को डिस्क्लोज करने की बात आती है, तो अपना आंसर कौन से बेसिस पे निकालते हैं, टोटल पे। लेकिन जब पैसा उधार लेने की बात आती है तो अपना आंसर कौन से बेसिस पे निकालते हैं, कैश बेसिस पे। बात समझ में आ रही है इतने? अच्छा, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करोगे, तो आप अपना आंसर निकालेंगे कैश बेसिस पे, ठीक है जी। क्योंकि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पे थोड़ी बनेंगे, किस पे बनेंगे, एक्चुअल पे। और मैंने यहां पे स्टार्टिंग किससे किया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपने चैप्टर का नाम नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से क्या लिखा था, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो मैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कर रहा हूं वो कौन से बेसिस पे कर रहा हूं, एस्टिमेशन, ठीक है जी। तो जो पैसा मुझे बिजनेस में चाहिए वो कितना पैसा चाहिए उसकी एस्टिमेशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वो पैसा अरेंज करना है, अरेंज करना उधार लेके आना है। उधार का मतलब कौन से बेसिस पे आंसर चाहिए, कैश बेसिस। तो यदि एग्जाम में कुछ लिखा ना हो कौन से बेसिस पे करना है, तो आप अपना आंसर बाय डिफॉल्ट किस पे करोगे, कैश बेसिस पे। और कैश बेसिस में आपको ध्यान रखना है कौन सी दो चीजें नहीं लेती है, एक आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना और दूसरा आपको क्या नहीं लेना, प्रॉफिट नहीं लेना। क्योंकि जब आप किसी से पैसे उधार मांगने जाओगे, आप ध्यान से समझना, मैंने जो कुछ कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया वो कितने लाख के हैं, 10 लाख के हैं। तो इसका मतलब मेरा पैसा ब्लॉक हो गया कितने लाख रुपए, 10 लाख। पर जब मैं 10 लाख रुपए बैंक से उधार लेने गया तो बैंक वालों ने मुझे क्या समझाया, कि भाई 10 लाख में ना तो आपको ये 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और ना आपको 3 लाख की रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपको पैसे कितने उधार लेने चाहिए। तो बैंक वाले हमें कितने रुपए फाइनेंस करेंगे, 6 लाख रुपए फाइनेंस करेंगे यदि हम बैंक से पैसा उधार लेने जाते हैं, किसके नाम का, डेटर्स के नाम का। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यदि कैश बेसिस पे की जाती है तो आपको अपना आंसर कौन से बेसिस पे निकालना है, डेप्रिसिएशन हटा के और कौन सा अमाउंट हटा के, प्रॉफिट हटा के। चलिए भाई जल्दी से एग्जांपल टू आप करके दिखाइए। हाँ जी, एग्जांपल नंबर टू, तो देखिए कैश बेसिस पे आंसर निकालते टाइम डेप्रिसिएशन आपको हटाना पड़ेगा और टोटल बेसिस पे निकालते टाइम आपको डेप्रिसिएशन हटाने की जरूरत नहीं है। निकाला भी आंसर किसी ने?
बताइए भाई कितना कितना आंसर आएगा आपका। कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 12 लाख इंटू एनओसी 30 टोटल आंसर कितना आएगा 2 लाख 54 12,30,000 2,65 हो गया सबका। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम रिशभ, प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ CUC सिंस क्लास 11th एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय CMA इंटरमीडिएट फ्रॉम CUC एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द CMA फाइनल्स। मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लास में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर ओवर अकाउंटेंस। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। भाई, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।